हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रिव्यू चैनल। गए तो मैंने कुछ दिन पहले एक बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी को शेयर किया था, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं उसमें कुछ क्लियर बता नहीं पाया था। तो अभी उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करते हुए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। इस वाली वीडियो जरूरी नहीं है आप वो वाला वीडियो देखें, मैं इसी वीडियो में आपको सारा बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा आपको कि किस हिसाब से आपको काम करना है। मतलब आपको वो वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में आपको ए टू जेड सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी ऑप्शन का, ओनली बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें और किस हिसाब से आपको काम करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी मेरे टैब की, उस स्क्रीन पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। तो अभी स्क्रीन आपके यहाँ ओपन हो गई होगी, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें इंडिकेटर, आपको पहला वाला इंडिकेटर लगाना है, वो लगाना है RSI। कौन सा? RSI। एक सेकेंड, जस्ट मिनट। कौन सा लगाना है? RSI। पहला इंडिकेटर रहेगा इसमें RSI। RSI की सेटिंग होंगी हमारी जो भी बाई डिफॉल्ट होंगी, उस बाई डिफॉल्ट सेटिंग को हमको कुछ भी नहीं छेड़ना है, जैसी है उसको वैसी रहने देंगे, ठीक है ना। जो उसकी लेंथ है उसको 14 रखेंगे, ठीक है ना। सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेटिंग में जो मैं हमेशा से बताता रहा हूँ अपनी RSI की जो सेटिंग है, उस सेटिंग के हिसाब से अपन को उसकी सेटिंग कर लेनी है कितनी, 60 और 40, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर रहा हूँ, कितनी, 60 और 40 कर लेनी है अपन को RSI की सेटिंग। मतलब ओवरबॉट कंडीशन 60 के ऊपर और ओवरसोल्ड कंडीशन 40 के नीचे, ठीक है ना। ये दोनों आपको सेट करके रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंडिकेटर लेना है EMA। कौन सा लेना है? EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसकी लेंथ रहेगी 10। कितनी रहेगी? 10, ठीक है। टाइम फ्रेम लेना है आपको 5 मिनट का, ठीक है। कितने का लेना है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये स्ट्रेटजी पे काम करना है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, तीनों इंडिकेटर की सेटिंग समझ में आ गई। अब इसमें सिंपल है, लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐसा है कि सपोज करता हूँ, अज्यूम करता हूँ, हाँ, इसमें जो चार्ट लेने हैं, चार्ट आप समझो, अपन क्या है निफ्टी के और बैंक, मैं ओनली जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग है जो काम करती है, ये स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी के अंदर काम करती है। तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट लेने हैं, किसके लेने हैं? प्रीमियम के। आपको सबसे पहले क्या करना है, 9 बजे, 9:15 तक आपको कोई ऐसे दो कॉल और पुट दोनों ऐड कर लेने। क्या कर लेने? कॉल एंड पुट दोनों ऐड कर लेने, जिनका प्रीमियम, ठीक है ना, जिनका प्रीमियम 300 रुपीज हो, ठीक है ना। 300, मतलब 300 की भी अगर मैं बात करूं तो 270 से लेके 350 के बीच में इनका प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है ना। 270 से लेके 350 के बीच में इनका प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आपको एक कॉल ऐड कर लेना और एक पुट ऐड कर लेना, ठीक है। समझ में आया? क्या करना है? एक कॉल और एक पुट आपको ऐड करके रखना है। सेटिंग आपको सब समझ में आ गई है? RSI आपको लेनी है, सेटिंग करनी है 60-40, ठीक है। EMA लेना है 10 का, टाइम फ्रेम लेनी है 5 की, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है कि आपको दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ओपन कर लेना है, प्रीमियम वाले, जिन जो प्रीमियम चार्ट आपने लिया है ना, जैसे एक का भाव चल रहा है, मतलब मान लेता हूँ 270, एक को चल रहा है 350, ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं। आपको दोनों का क्या करना है? चार्ट ओपन कर लेना है प्रीमियम के चार्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि प्रीमियम के चार्ट भी देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखते हैं तो ये प्रीमियम के चार्ट पे है, जो भी आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा होगा, आपने अगर मान लेता हूँ 32,500 का कॉल लगाया है, तो 32,500 के कॉल को आप क्लिक करेंगे, उसका चार्ट देखेंगे, उस चार्ट पे ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब आपको कंडीशन ये करनी है कि क्या होना है कि आपको दोनों में, हम बायर हैं, बाइंग के लिए स्ट्रेटजी है, सेलिंग के लिए नहीं है, बाइंग के लिए है, ठीक है। तो बायर हैं हम, ऑप्शन के बायर हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों चार्ट को देखना है जिनके प्रीमियम थे 300
एक 270 और 350, कितने भी हो सकते हैं, मतलब 350 से 270 के बीच में प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, अब हमको वेट करना। अब हमको वेट क्या करना है, पहले तो अगर अवॉइड करो ना, तो फर्स्ट 15 मिनट को आप अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट 15 मिनट आपने अवॉइड कर दिया, अवॉइड करने के बाद आपको क्या करना है कि आप देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कौन सी कैंडल पहले काम होगा अपना ईएमए पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास हमको कौन सी कैंडल है कि जो ईएमए पे जा रही है, ईएमए हमारा चल रहा है और कोई भी एक कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्या दे दे, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, हमारे 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे। और उस टाइम पे आरएसआई की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो 40 के नीचे चलनी चाहिए। 40 के नीचे जब तक चलेगी, जैसे इस कंडीशन में 40 के नीचे चल रही है, 40 के नीचे चल रही है और फिर यहां से राइज होकर वो क्या जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, तो आपको इस किसी जोन में उसको बाइंग करनी है, इस किसी जोन में। और उसी टाइम पे क्या होना चाहिए कि ये 5 मिनट की कैंडल है, ये अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। और इस क्लोजिंग देने के बाद आपको क्या करना है कि इस कैंडल का हाई एंड लो दोनों को कर लेना है मार्क। देन जिस साइड भी, मतलब जिस साइड का ओनली अप साइड का टारगेट हमको देखना है, तो अप साइड जैसे नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनेगी हमको एंट्री ले लेनी है, इस जगह पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसी 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे रहेगा, एसएल, ठीक है ना, एसएल रहेगा इसी 5 मिनट की कैंडल के नीचे। एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऊपर हम टारगेट की अगर बात करते हैं तो हम 1:1 से लेके 1:3 तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर हमारा हमारा एसएल 20 रुपए का है तो हम 20 रुपए, 40 रुपए और 60 रुपए तक के टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर प्रीमियम आपने बाई किया है 350 का, जिसमें स्टॉप लॉस आपने 350 के बाद 325 का स्टॉप लॉस लगाया, तो आप 375, 400 और 430 तक के टारगेट ये देख सकते हो, ठीक है ना। सेफ टारगेट रहेगा कि आप, मतलब जो सेकंड टारगेट 1:2 का अगर रेशियो लेके चलेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट ये स्ट्रेटजी देती है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको हमेशा, आप या कॉल में कर रहे हो, या कॉल में कर रहे हैं काम, या पुट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मैटर नहीं करता। आपको कंडीशन यही मिलेगी, अगर आपको ये मिल रहा है कि आरएसआई, सपोज करता हूं, जस्ट अ मिनट मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है ना। आपको अज्यूम करता हूं कि एक आरएसआई लाइन है, इसके नीचे से आरएसआई नीचे आ रही, तो अगर ये आपका कॉल था, क्या था, कॉल था, ठीक है ना, ये कॉल था। अब यहां से आपने देखा कि ये नीचे आने लग गई है, तो अब क्या मैं इसको सेल करूं, सेल नहीं करना। अगर आपको कॉल में अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको पुट के प्रीमियम पे चले जाना, वहां पे आपको कंडीशन ये बनती हुई दिख रही होगी, तो इस कंडीशन में आपको पुट बाई कर लेना है इस जगह पे। बस आपका कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए कि आपके ईएमए के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दे देनी चाहिए। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग के पहले आपको नहीं लेना, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगी हमको हाई और लो मार्क कर लेना है, मार्क करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनाएगा हमको उसमें एंट्री ले लेना है। गॉट इट, समझ में आ गया। 60 के ऊपर चल रही है हमको कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे तो हमको हमारी पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है ना। हमको एंट्री तभी लेनी है जब आरएसआई के नीचे, मतलब 40 के नीचे आरएसआई है और फिर वो राइज होके 40 और 50 और 60 जा रही है, तो हमको 40 के आसपास ही, जब राइज होकर वो जाएगी 40 के आसपास ही हमको एंट्री लेनी है। 10 ईएमए के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, हाई लो मार्क करना है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल एंटर होंगे, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, हमको एंट्री ले लेनी है। टारगेट रखना है 1:1 का और 1:2 का एंड 1:3 का, हमको क्या रखना है, टारगेट रखना है। सपोज करते हैं कि हमने 20 रुपए का एक लगाया है स्टॉप लॉस, तो हम टारगेट 20 रुपए से लेके 40 रुपए, 60 रुपए तक के हम ये टारगेट प्रीमियम में देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कंडीशन चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट का काम है, ठीक है ना। अभी इसको करते हैं बंद, ठीक है ना, इसको करते हैं बंद, ठीक। अभी अभी हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट अभी आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके चार्ट ओपन है मेरा, ठीक है ना, चार्ट ओपन है। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे दो चीजें ऐड करके रखी हैं। एक यहाँ पे अगर मार्केट की बात करूं तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, फ्यूचर में आप देख सकते हो, फ्यूचर का मैंने यहाँ पे रख रखा है
32,900 के आसपास इसकी क्लोजिंग है फ्यूचर में, 30 जून वाला फ्यूचर है, ठीक है ना। इसके मैंने दो प्रीमियम लिए हैं जिनका एक का भाव 380 है, मतलब ये 380 वाला पुट है और ये 340 वाला कॉल है, ठीक है। ये दो प्रीमियम लिए हैं मैंने बैंक निफ्टी के, ठीक है, बैंक निफ्टी के दो प्रीमियम लिए, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसके चार्ट पे जाऊंगा, मैंने साइड में दो चार्ट ओपन करके रखे हैं। ये जो चार्ट है वो 33,000 का कॉल है, ठीक है ना, क्या है 33,000 का कॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जस्ट मिनट में बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं, जस्ट मिनट। यहाँ पे एक जो कॉल है आप देख सकते हो, मैंने 33,000 का कॉल लिया है जिसका भाव 340 है, और मैंने 32,500 का पुट लिया है जिसका भाव 280 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, ये 32,000 का सॉरी 33,000 का कॉल है और ये 32,500 का पुट है। अब हमको यहाँ पे वही कंडीशन देखनी है, ठीक है। कंडीशन कहाँ मिलेगी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे RSI 40 के नीचे है, कैंडल ने हमारी ने क्लोज दे दिया है, ठीक है ना, कैंडल ने EMA के ऊपर क्लोज दे दिया। ये 10 पीरियड का EMA है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 10 पीरियड का EMA है, ठीक है ना। RSI की सेटिंग में कुछ नहीं करना, लेंथ 14 है ना, 60-40 है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे है RSI, ऊपर क्या हुआ है कि यहाँ पे इसने कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस अगर मैं मार्क करूंगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा काफी बड़ा, ठीक है, कितना है 69 इसका हाई है, 369 इसका हाई है और 275 इसका लो है, स्टॉप लॉस हो रहा है काफी बड़ा। तो आपको क्या करना है, या तो अवॉइड कर सकते हो या फिर अभी यहाँ पे कंडीशन बनी भी नहीं है, क्योंकि इसने हमने इसका हाई और लो मार्क कर तो लिया है, हाई और लो मार्क कर तो लिया है, पर इसके हाई को कोई भी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, मतलब यहाँ से कोई भी एक कैंडल बन के इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है उसने अभी तक। अगर इसके नीचे को ये छोटी भी कैंडल क्लोजिंग दे देती तो हम कैंडल में, इसी कैंडल में एंट्री लेनी थी और हम नेक्स्ट के लिए वेट कर सकते थे, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं हुआ है तो हम दूसरी जगह पे आके देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हो, इस जगह पे आप देख सकते हो, इस जगह पे हमको कंडीशन मिल गई, RSI 40 के नीचे है, राइज हो रहा है, यहाँ पे हमारे EMA को क्या हुआ है, क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेनी थी। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूँ, इस जगह पे मैंने एंट्री ली थी 32,500 के पुट में जिसका भाव चल रहा था 136 और 276 तक गया था 12 बजे तक, और फिर उसके बाद तो वो 400-500 रुपये तक गया था। तो आपको 1:1 का तो मिनिमम आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें कंडीशन होगी, आप देख सकते हो, दूसरी जगह भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख रहे हो RSI राइजिंग है पर यहाँ पे EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो RSI नीचे है, राइजिंग है, यहाँ पे हमको EMA के नीचे हमको क्लोजिंग मिल गई है, किस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे हमको क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है ना, इस वाली कैंडल पे हमको क्लोजिंग मिल गई है। RSI आप देख सकते हो राइजिंग है, यहाँ पे इस जगह पे राइजिंग है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद फिर क्या होगा कि हमारा इस जगह पे एंट्री आया था, कितना आया था 197 पे एंट्री आया था और ऊपर ये 244 तक गया था, ठीक है। ये हो गया पुट की बात, अब मैं कर लेता हूँ कॉल में बात, ये वाला है कंडीशन कॉल में, करना हमको दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या RSI राइजिंग है, इस जगह पे RSI राइजिंग है, ठीक है ना, पर क्लोजिंग हमको इस वाली कैंडल पे मिली है, नेक्स्ट कैंडल बनी, ऊपर ही बनी, हम इसमें एंट्री ले लेते। एंट्री लेने के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इस जगह पे 300 रुपए के आसपास चल रहा था, 360, ऊपर हाई मारा है इसने 377 का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं हम, इसको क्लियर करूंगा, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। इस जगह पे आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, मैंने कल भी समझाया था कि इतनी बड़ी जब कैंडल बन जाए तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना, अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 40 को टच करके ऊपर जा रहा है, इस जगह पे कैंडल पे क्लोजिंग मिली, ऊपर गया, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा नहीं भी ले सकते थे, वहां पे प्रॉफिट भी आपको हो जाता है, ठीक है ना। इस जगह पे देखो RSI नीचे चल रहा है पर हमको कहीं भी ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे भी इसके बीच में, जब तक मार्केट चल रहा है RSI के बीच में, जब तक मार्केट चल रहा है 60-40 के बीच में RSI चल रहा है, तब तक हमको कोई ट्रेड नहीं बनाना है, ये चीज का हमको खास ध्यान रखना है। इसके बीच में जब तक चलेगा हमको कोई ट्रेड नहीं बनाना है। यहाँ पे हम बना सकते थे ट्रेड, ये देखो RSI यहाँ से राइजिंग है,
यहाँ पे हमारी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल पे अगर हम टारगेट लेते तो 746 चल रहा था, और ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो हाई इसने बनाया है 840 तक का। इधर प्रीमियम का हो गया क्या हाई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गया है, तो यहाँ पे भी वो काम करता है। पर मैंने बोला है कि 300 350 के आसपास रहेगा ना, तो ठीक ठाक हमारे बजट में भी रहेगा और हम काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं RSI राइजिंग नहीं है, यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते थे, इस जगह पे हमने काम किया, हमको ये प्रॉफिट होता, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। 40 के नीचे हमको RSI मिलना चाहिए, 40 के नीचे हमको RSI मिलना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो RSI राइजिंग है, यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिली, हम काम करते हो जाता, ठीक है ना गाइज। तो आई होप कि आपको इस जगह पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस हिसाब से इस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना है। निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में आपको काम करना है, 270 से लेकर 350 के बीच का प्रीमियम ऐड करना है, कैंडल 10 EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके हाई लो मार्क करना है, हाई लो मार्क करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनाएगा हमको क्या करना है, उस कैंडल के हाई के ऊपर उसमें एंट्री ले लेनी है, स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो का रहेगा, देन हमारा जो प्रॉफिट रहेगा 1:1, 1:5 एंड 1:1, 1:2 और 1:3 तक के हमारे इसमें टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना गाइस। आई होप आपको बताते समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक चीज़ की मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे हमने अपने ब्रोकर के लिंक दे रखे होंगे, ठीक है ना गाइस। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।